बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। दरअसल क्लास 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों के 1,26,000 से अधिक बच्चों को पढ़ाई का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह वह बच्चे होंगे जो परिस्थितियों वश उम्र की तुलना में कम दर्जे की कक्षाओं में पढ़ते हैं। मतलब यह है कि अगर 8 साल का बच्चा और 10 साल का बच्चा और 10 और 15 साल का बच्चा क्लास 8 में पढ़ता हो तो ऐसे में चिन्हित किए गए इन विशेष बच्चों को उनकी उम्र की अपेक्षा पढ़ाई में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र ने 42 करोड़ से अधिक का फंड मंजूर किया है। शिक्षा विभाग एक विशेष योजना के तहत ऐसा करने जा रहा है। इसके लिए केंद्र ने फंड भी उपलब्ध कराए हैं। इनमें उम्र के सापेक्ष विशेष ट्रेनर उन्हीं के स्कूल में सिखाएंगे। इसके बाद वह अपने उम्र के अपेक्षा क्लास में नामांकित भी कराए जा सकते हैं। फिलहाल सितंबर महीने से इन बच्चों की विशेष पढ़ाई शुरू हो जाएगी। हालांकि विशेष पढ़ाई के लिए चिन्हित किए गए बच्चे सभी जिलों में हैं, लेकिन सर्वाधिक बच्चे 6 जिलों में हैं, जिनकी संख्या 5,000 से भी अधिक है। कुछ जिलों में तो ऐसे बच्चों की संख्या 10,000 पार भी है। इस श्रेणी के सर्वाधिक बच्चे कटिहार में 16,700 से अधिक हैं। इसके बाद जहानाबाद में 11,348, औरंगाबाद में 10,008, सीतामढ़ी में 6,326, सहरसा में 5,220 और मधुबनी में 5,190 बच्चे हैं जिन्हें विशेष ट्रेनिंग की जरूरत है। आपको बता दें कि 1,26,000 बच्चों को उम्रवार पढ़ाई में दक्ष किया जाएगा। इसके लिए केंद्र ने बजट 1,22,000 बच्चों को मंजूर किया है। वहीं बाकी के बचे राज्य सरकार अपने मद से पढ़ाएगी। इसके साथ ही 79,000 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ाई में विशेष दक्षता पर 6 महीने के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं 43,000 से अधिक बच्चे जिनकी वर्तमान कक्षा और उम्र के सापेक्ष काफी कम है, उनकी ट्रेनिंग महीने की होगी। इसमें प्रतिमाह 4,500 रुपए खर्च किए जाने हैं। इस तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक नियुक्ति किए जाएंगे, उन्हें ट्रेंड किया जा चुका है। तो अब बिहार में जो भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने किसी कारण से अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया हो, या फिर जिन बच्चों की उम्र तो अधिक हो गई है लेकिन उनकी क्लास कम है, तो उन्हें घबराने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने फंड के लिए मंजूरी दे दी है ताकि बिहार में इन बच्चों के लिए स्पेशल पढ़ाई हो सके। आपको बता दें कि समय समय पर केंद्र सरकार छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने और उनके मदद के लिए कई सारी योजनाएं लाती रहती है। इन योजनाओं की वजह से कई विद्यार्थियों को अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने में और नए नए हुनर सीखने में मदद तो मिलती ही है, साथ ही साथ कई तरह की सुविधाएं भी होती हैं। इतना ही नहीं, नए तकनीक को भी सिखाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार विद्यार्थियों के लिए नई नई योजनाएं लेकर आती रहती है। लाइव सिटीज के लिए खुशबू की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।